नए बिजनेस आइडियाज के लिए आप हमारे चैनल उद्यमी इंडिया को सब्सक्राइब कर सकते हैं। लेटेस्ट अपडेट के लिए डाउनलोड करें हमारे उद्यमी ऐप को और ज्यादा जानकारी के लिए विजिट करें हमारे वेबसाइट www.udyami.org.in पर। आपके बिजनेस रिलेटेड सवालों के लिए आप हमारे कॉल सेंटर 7526-000-333 या 7526-000-555 पर कॉल कर सकते हैं। पसीने की दुर्गंध को दूर करने का सबसे बेस्ट तरीका है। आजकल बेशक ज्यादातर लोग परफ्यूम का इस्तेमाल करते हों, लेकिन इत्र बेहद खास है। जो लोग इसे इस्तेमाल कर रहे होंगे उन्हें ही इसकी खासियत के बारे में मालूम होगा। अगर आप भी इस केमिकल फ्री खुशबू का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो इत्र बहुत अच्छा विकल्प है। कुछ रोग जैसे एंग्जाइटी, नींद ना आना और स्ट्रेस जैसे बीमारियों में इत्र की खुशबू रामबाण का काम करती है। आज भी इत्र की खुशबू जिसमें गुलाल, केवड़ा, बेला, केसर, कस्तूरी, चमेली शिद्दत से पसंद की जाती है। इसके अलावा इत्र का इस्तेमाल धार्मिक स्थलों, खानपान और खास मेहमानों के स्वागत में होता है। आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे इत्र के व्यवसाय के बारे में। तो चलिए जानते हैं इत्र बनाने के प्रोसेस को। सबसे पहले आपको फूल चुनना होगा कि कौन से फूल से आप इत्र बनाना चाहते हैं। इसके बाद उन फूलों को आप खेतों से या किसानों से मंगवा सकते हैं। बेहतर ये होगा कि आप जिन फूलों में अधिक महक होता है उसे ही इस्तेमाल करें। फिर इन फूलों को तांबे के डेग में डाला जाता है, साथ ही साथ इसमें पानी डाला जाता है। जब इसमें पानी और फूल पर्याप्त मात्रा में भर जाए तो इसका ढक्कन लगा के इसे सील पैक किया जाता है। सील पैक करने के लिए आप गीली मिट्टी का प्रयोग कर सकते हैं। इस गीली मिट्टी को ढक्कन और डेग के बीच में लगा के टाइटली बंद किया जाता है। ध्यान रखें कि ये बहुत ही ज्यादा टाइटली बंद रहना चाहिए। इसके लिए इसमें एक सेफ्टी लॉक लगाया जाता है और इसे पूरी तरह से पैक कर दिया जाता है। अब जो बांस की नली है उसका एक छोर ढक्कन में दिए गए छेद में डालें और दूसरा छोर दमक्का में डालें। दमक्का में आप पैराफिन ऑयल या सैंडलवुड ऑयल भी डाल सकते हैं। दमक्का को एक छोटे पानी की टंकी में सिरे तक डुबो दें, लेकिन दमक्के का सिरा बाहर की तरफ रखें ताकि पानी से वो बाहर रहे। अब हमारा सेटअप तैयार है। अब भट्टी में आग जलाएं और इसे उबलने दें। जब तांबे के डेग में रखे फूल और पानी उबलकर भाप बनेंगे तो ये भाप सीधे बांस की नली से होते हुए दमक्का में गिरेंगे, जहां ठंडे पानी की वजह से ये ठंडा होगा। अब इस प्रोसेस को बार बार किया जाएगा। यही पानी जो दमक्का में है इसे फिर से डेग में डाला जाएगा और फिर उबाला जाएगा। ऐसा करने से इत्र की क्वालिटी बहुत ही बेहतर होती है। लगभग 10 से 12 बार ये प्रोसेस को रिपीट किया जाता है और फिर इसे शीशियों में भरकर पैकेजिंग करके मार्केट में भेजा जाता है। इत्र बनाने के लिए एक दिन का अनुमानित खर्च 10,000 से 50,000 रुपए तक होता है। 2 से 3 लाख रुपए में आप प्राकृतिक इत्र मैन्युफैक्चरिंग प्लांट खोल सकते हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इसमें कोई भी बड़ी मशीन का इस्तेमाल नहीं होता, लेकिन एक छोटा यूनिट बनाने के लिए 2 तांबे का डेग, 2 भट्टी, 2 पानी की टंकी, 2 बांस की नली, 2 दमक्का, 2 बाल्टी और 1 प्लास्टिक टैंक की जरूरत पड़ेगी। इत्र की पहचान उसके महक से होती है और प्राकृतिक इत्र में खुशबू सिर्फ फूलों से डाली जाती है। तो यहाँ जो रॉ मटेरियल आपको इत्र बनाने में लगेगा वो है फूल, जो सीजनल हो और आसानी से मिल जाए, जैसे गुलाब, केवड़ा, रातरानी, मेहंदी, गेंदा, बेला आदि। उसके बाद पैराफिन ऑयल या सैंडलवुड ऑयल। 15x30 feet लैंड एरिया में 2 भट्टियों के साथ आराम से प्राकृतिक इत्र बनाई जा सकती है। इस प्रोसेस को करने के लिए 2 से 4 अंडर स्किल्ड लेबर की आपको जरूरत पड़ सकती है। क्योंकि इस पूरे प्लांट में ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी नहीं इस्तेमाल होती है, इसलिए 2 किलोवाट का कनेक्शन काफी है, जिसमें हर एक बैच से आपको 10 से 12% का मुनाफा इत्र की क्वालिटी के हिसाब से मिल सकता है। उद्यमी यानी अल्टीमेट ड्रीम ऑफ यंग एंड मॉडर्न इंडिया आपको हर समय नए नए व्यापार के बारे में जानकारी देता है।